और यहाँ पे देख सकते हैं तल्ला जो पुराना चावल माने जाते हैं, तो वो एक रन से खाता खोला है मेरे ख्याल से। तो जहारा इलेवन की बल्लेबाजी है, तो स्ट्राइक पे देख सकते हैं जाने माने आन मान शान तलोजेगा की जान अरे पापा पटेल। तो देख सकते हैं आए तमाम दर्शक, तमाम खिलाड़ी और तमाम मान्यवर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ देख सकते हैं टीपीएल मेला बोले, और ये देखिए ऐसी लगी है और हम प्यार की उंगली आकाश में, क्या लफड़ा हो गया लैला के शरीर में, मजनू इतना लाचा क्या लंगड़ा हो गया। सफवान जिसको सफलता मिली है कहते हैं ना दोस्तों, मेहंदी रंग लाती है सूखने के बाद, और गेंदबाज को मजा आती है सफलता लेने के बाद। तो पहली सफलता बल्लेबाज आए है परवेश, परवेश जो कि नन जुना तो सोना, परवेश जो के भैया भैया ने भैया इलेवन में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन परवेश एक नाम था, एक वक्त एक स्टार के खिलाड़ी थे परवेश सुफवान। ओहो अंपायर का इशारा वाइड, लेग स्टंप से बाहर जा चुके हैं, वाइड के मदद से स्कोर हो चुका है यहाँ पे दो रन। हमारे रिहान भाग वाले जो कि अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं, एक ही रन ऐसे स्कोर रहेंगे तो हम बड़े बड़े टूर्नामेंट में कॉमेंट्री कर सकते हैं। तो यह देख सकते हैं हमारा विशाल जो कि यहाँ अपडेट कर रहे हैं डब्ल्यू टी सी। ये देखिए अप्पा टप्पा चौका, इस चौके की मदद से देख सकते हैं टोटल स्कोर कार्ड पे 6 रन। यहाँ परवेश के बल्ले से चौका निकलता हुआ, चौके से खाता खोला परवेश ने। आए हुए तमाम दर्शक, तमाम खिलाड़ी और तमाम मानव रकम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो 364 दिन बेसब्री से इंतजार करते हैं खिलाड़ी, वही आज टीपीएल धमाका टीपीएल मेला बोले तो भी चलेगा। हालांकि देखा जाए तो वहां के मेले में इतनी पब्लिक रहने की टोटल, तो उठाके खेला देखना है आसमानी टोला और हम प्यार बोला 6-6-6 रन। तो यकीनन अंपायर बाबू तारेकर है, क्योंकि शादी होने के बाद उनकी जरा बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो सलमान खान के जैसी हुई है, इसलिए हमने पहचाना नहीं, मजबूत बॉडी लैंग्वेज हो गई है। तो यकीनन उनको मुबारक, लड़का भी हो चुका है। तो देख सकते हैं टोटल स्कोर कार्ड भी स्कोर हो चुका है 12, थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं गेंदबाज सोफवान। परवेश भाई तरीन गेंद, लाजवाब गेंद थी, सम्मान दिया है गेंद को, तो एक रन जरूर दौड़ के पूरा किया है। दूसरे अंपायर देख सकते हैं लेग बाय क्या कट है, अंपायर बैट कट है, तो टोटल स्कोर हुआ है 13। तो दूसरे अंपायर देख सकते हैं नॉन स्ट्राइक पे रयान, तो रयान और बाबू तारेकर यानी कि आकिब पटेल। तो देखा जाए तो अंपायरिंग बच्चों का खेल नहीं है, तेल निकलता है अच्छे अच्छों का। तो देख सकते हैं यहाँ पे बल्लेबाज है यहाँ पे अताउल्ला, उठाने का प्रयास, आमे गहना आसमानी तूफानी लुकमानी उस्मानी जिलानी ईरानी बिरयानी मस्तानी हिंदुस्तानी छक्का और गेंदबाज हुआ हक्का बक्का। लेकिन सफवान थोड़े महंगे साबित हुए, एक ओवर के समाप्ति पे रन हो चुके हैं यहाँ पे 19 रन और एक विकेट के नुकसान पे एक विकेट गिर रहा है, वो जरूर हम बताएंगे कौन पड़े। अरिफ पटेल जो के फॉरेन में वापस हो चुके हैं, 19 रन हो चुके हैं। तो देखना है यहाँ पे ये सामना जो चालू है जहरा इलेवन वर्सेस असीम परदेश, तो यहाँ पे बल्लेबाजी है जहरा इलेवन की जिन्होंने अच्छी पिटाई धुलाई और निचोड़ना बाकी है, अभी तक पिटाई और धुलाई हो चुकी है। तो
तो देखना है कितने रन बना सकते हैं। और हमारे कैमरामैन देख सकते हैं ऋतिक जो कि अच्छा शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बल्लेबाज आए हैं, बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो सलमान खान से कम नहीं है सलमान भाईजान। तो देख सकते हैं तो तौसीफ आए हैं गेंदबाजी के लिए, एक चालाक गेंदबाज, चतुर गेंदबाज और मेरे हिसाब से जादूगर गेंदबाज माने जाते हैं जिनके उंगलों में जादू है। लेकिन देखना है सामने बल्लेबाज भी हार्ड बल्लेबाज है परवेश जो कि हार्ड हिटर बल्लेबाज है, एक स्टार में उनका नाम चलता था। तो देखना है परवेश बेहतरीन गेंद, देखना है यहाँ पे रनआउट का खतरा और यह एक रन मुकम्मल, इस एक रन से बढ़ता है स्कोर 20 रन। तो यह तीन ओवर का मुकाबला है और रिहान बागवाले रिहान पटेल जो कि अच्छी अंपायरिंग की नहीं बल्कि यहाँ पे स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे हैं अंपायर हमारे बाबू तारेकर और दूसरे अंपायर रिहान। तो देखना है बल्लेबाज यहाँ पे अतुल्ला और ये काफी देख सकते हैं यहाँ पे नहले पे दहला और ये मिला पहला पंजा। तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल स्कोर इस पंजे के 7 वाइड गेंद थी, 25 रन महंगे साबित हो रहे यहाँ। तो सिर्फ जो कि दिवाली का बोनस दिया है उन्होंने, तो हमारे ऑपरेटर देख सकते हैं विशाल मात्रे और लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं WTC के माध्यम से यहाँ पे, और यहाँ आए हैं तमाम दर्शक तमाम मान्यवर और लाइव देख रहे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। क्या गेंद थी, टकपा खाने के बाद थोड़ी स्विन हुई सीधा विकेट कीपर के दास्तानों में, बीट हुए हुए गेंद पे कोई नंबर नहीं रुका हुआ स्कोर यहाँ देख सकते हैं 25 रन। रिहान अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं और एक हमारे दानियाल है जो कि अच्छी स्कोरिंग करते हैं, तो ऐसे स्कोरर रहेंगे तो यकीनन बेहतरीन शॉट। वहाँ फील्डर तैनात, अच्छी फील्डिंग लॉन के फील्डर की और उठाए फेंके जब तक एक रन मुकम्मल, इसे एक रन से बढ़ता हुआ फराज जो कि अच्छी फील्डिंग, तिबल सत्ता तीन लंगड़े। तो देखा जाए तो यहाँ पे टोटल स्कोर हुआ है 26 रन हो चुके हैं। तो सिर्फ गेंद थोड़ी काफी अपस्टाम से बाहर थी, अंपायर बाबू तारेकर का इशारा वाइट आके पटेल का। तो यहाँ हमारे साथ जिन्होंने सुबह से कॉमेंट्री की हमारे पप्पू जलाल, एक अच्छे हिंदी के कॉमेंटेटर है, तो देखा जाए तो इन्होंने कमेंट्री का काम छोड़ा ना, तो मेरे ख्याल से हिंदी में एक टॉप कॉमेंटेटर रहते थे आज के तारीख में। उठा के खेला है, देखना है क्या जो सकती है, लंबाई ज्यादा ऊंचाई कम और बल्लेबाज चला बॉलिंग में पम 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 और खालिद ने शानदार कैच पकड़ी है, लेकिन न शानदार कैच पकड़ी है, बख्शीश के लायक कैच पकड़ी है। अगर बख्शीश की बारिश न रुकती तो यकीनन खालिद को बख्शीश आ सकती थी, तो बख्शीश देने वाले शायद सोने को गए हैं। तो एटीएम बंद हो चुका है दोपहर के टाइम, काफी लोग सोते हैं खाना खाने के बाद, तो असर बाद यहाँ मेला देख सकते हैं टीपीएल मेला। तो मैंने पहले सोचा कि टीपू सुल्तान ट्रॉफी है, नहीं ये टीपीएल मेला यानी कि तलोजा प्रीमियर लीग। तो काफी बच्चे आए हैं, तो रिहान भी एक बच्चा है, तो थोड़ी महंगे साबित हुए इस 27 रन। अच्छी गेंद देखिए वहां पे फील्डर तैनात और शानदार फील्डर साध है शायद साद मुल्ला, तो अच्छी फील्डिंग साद मुल्ला की और एक रन से न रोक पाए टोटल स्कोर 28 रन। यहाँ पे हालांकि देखा जाए तो दूसरी ओवर चालू है, यहाँ पे पहली ओवर में रन आए थे 19, तो 9 रन अभी तक खर्च किए 28 रन, 5 गेंद एक गेंद बाकी है, बल्लेबाज है स्टैक पे आप मुसेफ देखना है। ओहो क्या गेंद थी, हवा में गेंद, कैच के नीचे दो फील्डर और शानदार कैच को लपका और बल्लेबाज टपका।
तो यहाँ पे अजर कुछ लिख रहे हैं शायद। अगर ऐसा लिखो हमारे समझ में आ जाए ना, तो डॉक्टर के जैसा लिखेंगे, हमने तो लूट लिया तुम भी लूट लो, मेडिकल वाले को बोलते हैं। तो देख सकते हैं अजर यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ TPL का टूर्नामेंट का आगाज किया, उन्होंने 3 ओवर का मैच है, 2 ओवर की समाप्ति पे रन हुए हैं यहाँ पे 28, यानी कि 9 रन खर्चे गए। शानदार गेंदबाजी, अच्छी वापसी तौसिफ के माध्यम से। सुफियान हाफिज साहब, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और हमारे अफरीदी, यानी कि देखा जाए तो जिन्होंने हमें अभी आइसक्रीम यानी कि फालूदा गिफ्ट दिया है, शाकिब जराक्स भी कहा जा सकता है उन्हें, काफी। तो अताउल्ला, पुराना चावल, गेंदबाज आए हैं अरफात अल सफा, अरफात बाउद्दीन भी कह सकते हैं, अरफात अल सफा भी कह सकते हैं। तो अरफात है, जाबिर आपका स्वागत है। जाबिर हमारे पुराने मित्र है, दोस्त है, तो शेट्टू उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। तो न्यू बेसमैन आए हैं अकमल, अकमल एक पॉपुलर नाम है, आगे बोलना नहीं चाहूंगा मैं। तो चाचा भतीजे आए अकमल, अताउल्ला और अकमल आए हैं। अरफात गेंदबाज है, यानी कि अल सफा के धरते करते धरते अरफात, असीम पैराडाइज से तरफ से आ रहे हैं आखिरी ओवर लेके। तो देख सकते हैं यहाँ पे बेसब्री से जिनको इंतजार था, खिलाड़ियों को 364 दिन जिन्होंने इंतजार किया TPL का। हालांकि गए साल तो मोहम्मद तला ने कहा कि अगले साल TPL नहीं होंगे, लेकिन अजहर ने कंधों पे बोझ संभाला। और ये देखिए, लेग स्टंप से बाहर गेंदी, वहां खालिद, शानदार फील्डिंग खालिद की, लाजवाब फील्डिंग, यकीनन चौका बचाया। सराहना करना चाहूंगा इस फील्डर की, उसका हौसला देखिए उसकी। हालांकि देखा जाए तो जर्सी नहीं पहने उन्होंने, शायद मौलाना है। तो यकीनन यहाँ पे शानदार फील्डिंग का मुजाहरा खालिद चीचा वाले के माध्यम से। और हमारे फिरोज जो के गाड़ियों का काम करते हैं पासिंग का, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। फिरोज चेक, डॉट गेंद की समाप्ति, काफी देर बाद डॉट गेंद की समाप्ति देखने मिली। और टोटल स्कोर कार्ड पे स्कोर 29 रन हो चुका है। तो अकमल एक बड़ा नाम है। तो देख सकते हैं, ओहो बेहतरीन शॉट, यह देख सकते हैं आसमानी टोरा, और अंपायर बाबू तारेकर बोला सो 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 दादा। परवीन गरत की याद ताजा करते हुए अकमल, जिन्होंने छक्का ठोका था, इस छक्के के मदद से स्कोर कार्ड पे स्कोर हुआ है यहाँ पे 35 रन। तो टॉस के लिए आना है दानिश, दानियाल आए हैं, ब्लैक स्टोन, अरे बिले गिरा, ब्लैक स्टोन आना है। तो 36 रन हुए, थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं 36 रन हुए हैं, यानी कि अभी तक अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं। उठाने का प्रयास, देखना है गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ, तौसिफ फील्डर लगान में, और अच्छी फील्डिंग उठाए फेंके जब तक 1 रन मुकम्मल किया है। तो 1 रन से बढ़ता है स्कोर यहाँ पे 37 रन। फौजान के शुभ से, फौजान तो सुराएंगे जो कि अजहर के जैसे है कुदरती। तो देख सकते हैं फौजान की शुभ से टॉस उड़ाया जा रहा है, दानियाल टॉस के बॉस हो चुके हैं, और ब्लैक छक्का, और ये शानदार आमदार छक्का, दमदार बोलना चाहिए था लेकिन मैं आमदार बोला, थोड़ी सी गलती हो गई। तो टोटल 43। तो यकीन हमारे सहेल पटेल जो के वहां से नहीं बिलोंग करते तलो जैसे, लेकिन वहा गांव के माने जाते हो। उठाने का पड़िया, चेहरे किया, लंबा 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 छक्का,
छक्के के मदद से टोटल स्कोर कार्ड पे 49 रन और 50 रनों का टारगेट है। तो हमारे हारून मास वाले, उनका भी हम स्वागत करते हैं, जिनका काफी नाम चलता है पूरे एरिया में, पनवेल तालुके में बोला तो भी चलेगा। तो हमारे से विदाई लेते हुए अरुण मास वाले, तो स्कोर देखा जाए तो 50 रन है विशाल। 50 रन मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हालांकि देखा जाए तो 3 ओवर के मैच में हाईएस्ट 30 था, तो ये 49 हाईएस्ट हुआ, तो देखेंगे यकीनन यहाँ पे अभी 50 रन बनाने हैं। तो 50 रन बनाने वाले बल्लेबाज यानी के असीम पेरेडेस के बल्लेबाज में इतना दम है। अगर गेंदबाजी अच्छी होती है, निपी तिली सी गेंदबाजी होती है, टिकट मारा होता है, बेतक मारा होता है, गुडलैंड के गेंद फेंकते, ओकरलैंड के गेंद फेंकते अगर जहारा इलेवन, तो यहाँ जीत सकती है जहारा इलेवन। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी होंगी, ठोकने वाली बल्लेबाजी होंगी, खाली जैसे खतरनाक बल्लेबाज है यहाँ पे असीम पेरेडेस के टीम में, तो अच्छी बल्लेबाजी होती है। यानी वसीम पटेल भी है मन्नान के लड़के, तोसीफ बंगाली ने बोल सकते हैं हम, तोसीफ पटेल भी है, तो बंगाली कैसा बोलेंगे हम, तो यकीनन तो तोसीफ है, नहीं नहीं तोसीफ लायू है यार, ज्यादा मत बोलो तो ये तो तोसीफ है। यहाँ पे अच्छे बल्लेबाज है, हटिटर बल्लेबाज है। पहली ओवर में अगर 20 रन आते हैं तो मैच में मजा आ सकता है। यहाँ ट्रॉफी लाई है अजहर ने, लाजवाब। तो सुफियान हफीज जी आना है पर आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं अगर तौसीफ फैजान जो कि खतरनाक गेंदबाज हुआ करते थे, अब देखना है कप्तान है खुद टीम के। क्रिकेट में मुश्किल जरूर है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं बुझे दिया तो चल सकती है कश्ती, बुझे दिया तो चल सकती है कश्ती, मायूस ना हो अपने इरादे ना बदल, किसी भी वक्त तकदीर पलट सकती है। कौन सा हौसला लेके उतरी है यहाँ पे देख सकते हैं असीम पेरेडेस। कहते हैं ना दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है उनकी मंजिल आसान होती है, परों में क्या रखा है दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। गेंदबाज वसीम और तौसीफ, अकमल गेंदबाज है यकीनन। ओहो बेहतरीन शॉट, शानदार फील्डिंग अकील बाउद्दीन की, देखा जाए तो एक रन मुकम्मल किया, शानदार फील्डिंग यहां पे देख सकते हैं, चौका जरूर बचाया है अकील बाउद्दीन ने। तो यकीनन रिहान हमारे साथ वसीम हमेशा खेलते हैं रोज सुबह में, तो वसीम को हम अच्छी तरह पहचानते हैं, तौसीफ तो अच्छे खिलाड़ी है, जूने खिलाड़ी है। तो अकमल को शायद हम नहीं पहचानते, लेकिन अकमल अच्छी गेंदबाजी देख सकते हैं फील्डर।
असर की अजान हो चुकी है, असर की नमाज जमात खड़ी होंगी। जिसको भी नमाज पढ़ने जाना है तो नमाज पढ़ के आए। तो टोटल स्कोर हुआ है 13 रन हो चुके हैं, सॉरी 14 रन हो चुके हैं, एक गेंद बाकी है। तो अकमल, सामने बल्लेबाज है तौसीफ पटेल, देखना है तौसीफ अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, कहाँ पे निगाह है, कहाँ पे निशाना, और ये देखिए डायरेक्ट हिट हुआ है और अंपायर की उंगली, नहीं आउट नहीं है। तो 2 रन यहाँ पे आए हैं, डायरेक्ट हिट हुआ था लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज वसीम, और 2 रन यहाँ पे हो चुके हैं, 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पे देख सकते हैं, 16 रन रिहान पटेल बागल है जो कि अच्छी स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे हैं। ताहिर पटेल के सुपुत्र हैं, तो हमारे जाबिर पटेल जो कि अंपायर की भूमिका में थे, तो शानदार अंपायरिंग। तो देख सकते हैं टोटल स्कोर हुआ है 16, यानी कि अभी तक 12 गेंदों में जरूर बताएंगे हम कितने रनों की जरूरत है, 34 रनों की, 17 के सरासरी चलना है। अगर वसीम पटेल का बल्ला चला, वसीम पटेल अगर छक्के चौके लगाते हैं तो इस मैच में मजा आ सकती है, क्योंकि वसीम पटेल की बल्लेबाजी हम देख चुके हैं, उनमें क्षमता है कि छक्के चौके मारने की क्षमता है और उनके बल्ले में दम है। तो उनका बल्ला अगर चलता है तो एक ही नन ऊंचे शॉट खेल सकते हैं, ऊंचे स्टॉक लगा सकते हैं, ऐसे बल्लेबाज है वसीम पटेल। तो वसीम पटेल देखना है क्या कर देगा, या फैजान आया गेंदबाजी के लिए, पुराना चावल जलता अंगारा नहीं बल्कि अंगारा। तो देखना वसीम, ओ नजर बंदी डंडी गुल, इंडिया गेट में से गेंद गई क्लीन बर्ड। यहाँ आए चुके हैं हमारे आरिफ पटेल भाईजान, तो स्वागत है आपका, सुबह से उपस्थिति बताए हुए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आरिफ भाई आना है ऊपर, तो पहला झटका लगता हुआ 16 रनों पे यहाँ पे आसिम परदेश ग्रुप को। तो देख सकते हैं आए हैं खालिद, तो खालिद पटेल यहाँ लाइव चालू है, कोई भी टोकन नाम ना दे प्लीज, वरना मेरे को वहाँ भागना पड़ेगा। तो यकीनन देख सकते हैं खालिद, तो देखना है खालिद क्या कर दिखा दे, पहली सफलता ली है फौजान ने। ओहो बेहतरीन शॉट, अप्पा टप्पा चौका, तो 16 और 4 20 रन हो चुके हैं, देखना है। हालांकि देखा जाए जो वसीम की तारीफ हमने की थी, वसीम की रेन बोल हो क्या पॉलर में वापस जा चुके हैं, उनकी जगह संभालने आए हैं खालिद। तो यहाँ पे 20 रन हुए हैं, यानी कि 10 गेंदों में आप जरूरत है 30 रनों के ऊंचे शॉट खेलने होंगे, खतरों का खिलाड़ी बनना होगा, क्योंकि अगर ऊंचे शॉट नहीं खेलेंगे तो काफी बड़ा स्कोर है, हर गेंद पे 3 रनों की जरूरत है, हर गेंद पे चौका छक्का आना जरूरी है। तो फौजान जो कि अच्छे गेंदबाज है, पहली गेंद पे सफलता मिली है, तो खालिद देखना है क्या कर दिखाते हैं, चौके से खाता खोला है। ओहो वाइड गेंद है, ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद, अंपायर का इशारा वाइड, अंपायर देख सकते हैं हमारे बाबू तारेगढ़, दूसरे अंपायर देख सकते हैं रिहान। हालांकि देखा जाए तो अंपायरिंग करना बच्चों का खेल नहीं है, तेल निकलता है अच्छा अच्छों का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ताबिश जो कि अच्छी है, रोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो ताबिश का हो, हालांकि यॉर्कलैंड की गेंद होती तो इतने तरीके से खेला हुआ, फील्डर तैनात देख सकते है मिड विकेट के दिशा में, और 1 रन 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तौसीफ को कुछ करना होगा, आक्रमण रूप धारण करना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं 9 गेंद 28 रनों की जरूरत, देखना है यहाँ पे तौसीफ। ओहो बेहतरीन शॉट, शानदार चौका यहाँ गली के दिशा में, देख सकते हैं टोटल स्कोर इस चौके के मदद से। यानी कि अभी 24 रनों की जरूरत है, शानदार चौका ठोका यहाँ पे देख सकते हैं,
पॉइंट और गली के बीच में से चीरती हुई गेंद सीमा रेखा पार, चार रनों के लिए। अगर इस अभी गेंद बाकी है, मतलब टोटल 8 गेंद बाकी है, 24 रनों की जरूरत है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 गेंद दी है हमारे रिहान ने, यकीनन 9 गेंद। फ्रीड है, फ्री हिट डोले उगरुन पहा नीट इकरे है फ्री हिट। कितना फायदा उठा सकते हैं इस फ्री हिट का, तो तोसीफ अभी तक छक्का तोसीफ ने यकीनन नहीं मारा है, 3 चौके जरूर मारे। ओहो बेहतरीन शॉट देखना सीमा रेखा की तरफ जाती गेंद, फील्डर तैनात पर शानदार फील्डिंग, लेकिन पूरा हिट का कुछ फायदा उठा सके, डायरेक्ट थ्रो जरूर मारी थी यहाँ पे, लेकिन 2 रन 1 रन जरूर मिला है और थ्रो के रूप में टोटल 2 रन मिले हैं, तो 2 रन के साथ बढ़ता है स्कोर यहाँ पे 29 रन हो चुके हैं अभी तक, 21 रनों की जरूरत है। 7 गेंद 21 रन, अगर इस गेंद पे छक्का आता है शाहनवाज तो एक ही रन मैच में मजा आ सकता है। तो यह आए हुए तमाम दर्शक, तमाम खिलाड़ी और तमाम मानव रकम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और WTC। तो यहाँ पे अभी इसके बाद जो मुकाबला है दानियाल एलियन और ब्लैक स्टोन। ओहो उठा के खेला है, ओहो क्या मारा, लंबा 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 छक्का और म्याज में रंग भरा यहाँ पे तोशीब पटेल, बंगाली नहीं रे बाबा, तोशीब पटेल जिन्होंने ब्याज का रुख पलटी किया, उनमें क्षमता है। आप देख सकते 6 गेंदों में 6 गेंद 15 रन, अब ऐसा लगता है कि मैच में मजा आ चुका है, दर्शक देख सकते हैं काफी खुश है। अरे दर्शक यही चाहते हैं नवरा मरो के नवरी मरो, जवाला वाला सांगला मिलो, जल्दी फटाफट फटाफट। तो काम ए साकेब तो यहाँ पे काफी खुश दिखाई दे रही है आसिम पलडस और अरफात जिन्होंने 21 रन खाए थे लगता, वो काफी अच्छे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे अतौल्ला आए हैं काफी लेग स्टंप से बाहर जाते हैं, अंपायर का इशारा वाइड और 6 गेंद 14 रन। काटा भरा मुकाबला, घसाघसी का मुकाबला, फाइट मुकाबला, फाइटर मुकाबला, करो या मरो की स्थिति यहाँ पे। खालिद ओ बेहतरीन शॉट, लेकिन खालिद ने शॉट जरा कच्चा मारा है और ये देखिए स्टेक अपने खेमे में रखना चाहते हैं। तो सिर्फ अभी 5 गेंद 13 रन, इस गेंद पे का छक्का आता है या ये गेंद डोडा होती है तो मजा आती है मैच में। तो देख सकते हैं लंबा शॉट की जरूरत है, बड़े शॉट खेलने की क्षमता है तोसिफ में, तो सिर्फ और काफी से बाहर जाती गेंद। हम प्यार बाबू तारेकर का इशारा वाइड, तो देख सकते हैं अब भी जरूरत है 12 रनों की, 5 गेंद 12 रन। हम प्यार का फैसला आखिरी फैसला होगा, हम प्यार का फैसला आखिरी फैसला होगा, तो यकीनन अगर सफल भी होते तो क्रीज के बाहर गेंद जाती है तो कमेटी का नियम है वाइट है। तो देखना है यहाँ मोहम्मद चला गए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं हमारे कमेटी के मेंबर गए हैं मोहम्मद चला अताउल्ला, अंपायर अपना डिसीजन वाइट। तो इस वाइट के मदद से टोटल स्कोर हुआ है 38, 12 रनों की जरूरत है, 5 गेंद 12 रन। किसने सोचा था इस मोड़ पे आएगा ये मुकाबला, तोशिफ उठाने का प्रयास और ये देखिए सीमा रेखा पार, 4 धावन 7 टी। चार गेंद 8 रन, ये देख सकते
सकते हैं, बाउद्दीन एलिवन नहीं है, बल्कि मेरे हिसाब से नाम इन्होंने ही चेंज किया है इस साल। वसीम पटेल के खेमे में खुशी देख सकते हैं, वसीम काफी हंस रहे हैं लेकिन कुछ किया नहीं वसीम पटेल ने तो, लेकिन हंस जरूर रहे क्योंकि उनके साथीदारों ने अच्छी। ओहो, लेग स्टंप से बाहर जाते हुए गेंद, अंपायर का इशारा वाइट, 4 गेंद 7 रन। सितारे देखेंगे तो जिया मांगेंगे तो से पटेल। ओहो, यहाँ पे देख सकते हैं डॉट गेंद की समाप्ति, काफी देर बाद डॉट गेंद की समाप्ति, अब 3 गेंद 7 रन। सितारे देखेंगे तो जिया मांगेंगे तो से पटेल, तेरे साथी खिलाड़ी तेरी छक्के चौके की दुआ मांगेंगे। गेंद बेहतरीन शॉट देखना हुआ, फील्डर तैनात और एक रन दौड़ के पूरा किया, दूसरा रन लेने की कोशिश और यहाँ कवर अच्छा रहा, खालिद गिरे रन आउट का खतरा और यहाँ पे खालिद रन आउट के रूप में पवेलियन में वापस। अरे ये क्या लफड़ा हो गया, लैला के शादी में मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। दो गेंद 6 रन कंपलसरी है। एक ही रन, सितारे देखेंगे तो जिया मांगेंगे तो सिर्फ पटेल, सितारे देखेंगे तो जिया मांगेंगे तो सिर्फ पटेल, तेरे साथी खिलाड़ी तेरे छक्के चौके की दुआ मांगेंगे। गेंद से नजर ना हटा देना तो सिर्फ पटेल, वरना तेरे आउट, अपोजिशन वाले तेरे आउट होने की दुआ मांगेंगे। तो 2 गेंद 6 रनों की जरूरत है, 2 गेंद 6 रन, 2 गेंद 6 रन, 2 गेंद 6 रन। तौसिफ पटेल अभी तक क्रीज पे मौजूद है तो हरीफ और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे शौकत शेख और उठा के खेला आसमानी टोला, विजय फटका भी बोल सकते हैं इसको और अंपायर बाबू तारेकर बोला 6 रन। क्या शानदार बल्लेबाजी की है तौसिफ ने, यकीनन तौसिफ के लिए दूसरा एक शेर कहना चाहूंगा। हरीफ भाई, अरे वो मैन ऑफ द मैच के लिए आना है, तौसिफ के लिए एक शेर कहना चाहूंगा कि कफन ना डालना मेरे चेहरे पे, मुझे मुस्कुराने की आदत है, कफन ना डालना मेरे चेहरे पे, मुझे मुस्कुराने की आदत है, मैं तौसिफ पटेल हूँ, मुझे हारते हारते जीतने की आदत है। तो एक ही ना शानदार बल्लेबाजी, मैन ऑफ द मैच का खिताब मिलता है तौसिफ पटेल को, आना है तौसिफ पटेल, फास्ट फास्ट बंगाली मैं कहूंगा, बंगाली बाबा ने अपना जादू चला दिया है, अरे काला जादू के लिए काला जादू। तौसिफ गद्दारी करने के लिए माहिर है, तबेश लायु है 283 यहाँ पे देश देख रहे हैं तलोजा प्रीमियर लीग। तो शौकत शेख के शुभ हाथों से यहाँ मैन ऑफ द मैच का खिताब देंगे तौसिफ को। तो ये देखिए, यही है तलोजे की शान, जो काफी पब्लिक है, यही है तलोजे की शान, टीपीएल मेला शानदार जानदार मजबूत यहाँ पे आगाज किया है, यानी कि 2021 में टीपीएल। तो हमारे उमर मियाँ पटेल, उनका भी हम स्वागत करते हैं, उमर मियाँ उर्फ अरब। तो खालिद जरा खुश है, हालांकि देखा जाए तो रन आउट के रूप में आउट हो चुके थे। तो इसके बाद जो मुकाबला होगा ब्लैक स्टोन और दानियाल फील्डिंग। ए बच्चे लोग बाहर निकलो जरा जल्दी फटाफट, टाइम नहीं। दानियाल फील्डिंग लाओ, ब्लैक स्टोन तुम्हारे ओपनिंग बल्लेबाज भेजो। बच्चे लोग जल्दी बाहर निकलो फटाफट, मोहम्मद तला लेना।